मेरा फोन नहीं बन रहा है यार। नहीं बन रहा है क्या? मैं गया था थोड़ा काम पे और मेरे को एंजाइटी में मत डालो। ये देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। मैं हूँ अरसलान, लाइफ होगी चंगी जब देखोगे अतरंगी। तो गाइस, आज मैं अकेला स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग। वैसे दो तीन दिन से अकेला स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आरती थोड़ी बिजी चल रही है। मैंने आज आरती को फोन किया तो आरती बोली उसको कुछ काम है, तो मैंने उसको ये बोला कि एक काम करो, तुम्हारी बाइक मुझे दे दो। जैसे कि उसको बताया हूँ मैंने कि मैंने बाइक बेच दिया हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे पास अभी बाइक है या नहीं है, क्योंकि मैं घर से नीचे उतर था ना तो मेरे को आदत है बाइक में चाबी डालने के लिए, लेकिन आज थी नहीं बाइक मेरे पास। कोई नहीं, याद आती है उसकी, लेकिन होता है चलता है। लेकिन अभी मैंने आरती को कॉल किया हूँ, उसको बोला हूँ कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक दे दो, मेरे को थोड़ा बहुत कुछ काम है, तुम अपना काम बटा लो फिर मुझे मिलो। तो बोलिए ठीक है अरसू, आओ तुम घर के नीचे, मैं तुमको बाइक दे देती हूँ। बाइक तो अभी लेने जा रहा हूँ मैं, लेकर डायरेक्टली आपको पेट्रोल पंप पे मिलते हैं, क्योंकि पेट्रोल भराना जरूरी है, मालूम पड़ा हम लोग धक्का ही मारते रह गए। कोई नहीं, अभी आरती को भी मैं कॉल करूंगा पेट्रोल भरा कर, पूछूंगा कि वो है का, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत काम करूंगा मेरा। और मेरे फोन के लिए मैंने फोन किया था एप्पल स्टोर में, तो एप्पल स्टोर वाले लोग ने बोले कि प्रोसेस में ही चल रहा है आपका, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, लेकिन देखते हैं। बहुत अजीब लग रहा है गाइज, मुझे बाइक है नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ आरती के यहाँ पर, डायरेक्टली पेट्रोल पंप में मिलते हैं। फाइनली मैं आ चुका हूँ पेट्रोल पंप पे आरती की बाइक लेकर। ये रही आरती की बाइक, अभी पेट्रोल भराने जा रहा हूँ, फिर आरती को कॉल करूंगा। और गाइस, आरती का हेलमेट है, मुझे इतना छोटा होता है आरती का हेलमेट, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया था मजबूरी में आटा गीला, अभी आरती को कॉल भी करना है गाइस पेट्रोल भराते। तो गाइस फाइनली आरती इज ऑल्सो हियर, और बस तो अभी जा रहे है, मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ, इसके वजह से मैं जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ थोड़े काम से, तुम चले जाना। कहाँ चले जाऊँ? तलोजा चले जाना। क्यों? अरे मैं थोड़े काम से जा रहा हूँ, मेरे को काम है, वहीं पे काम है, लेकिन खारघर में। हाँ खारघर में ही काम है, खारघर में या अभी बीच रास्ते में अगर हो गया तो हो गया। मैं ऑटो से चले जाऊंगी ना वहाँ से। तो अभी चलते है गाइस, ट्रैफिक तो बहुत है, इधर लाओ मैं ब्लॉग बनाऊँ। सो गाइज, मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे घर पे आया था, मतलब मुझे मिलने के लिए, लेकिन पता नहीं ये कहाँ पे जा रहा है, क्या काम कर रहा है, तो इसको और इग्नोर माय लुक गाइज, क्योंकि धूप है तो मुझे अपनी आंखों को बचाना पड़ेगा और बालों को भी, फेस को भी, हर चीज को। अभी मैं फेस भी ऐसे बांधने वाली थी, मैं ही हूँ ऐसा जो मैं नहीं करता सब। गाइज आज मैंने इसको जबरदस्ती सनस्क्रीन लगाने बोली, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। क्या? और एकदम अजीब लग रहा है, ऑयली लग रहा है फेस। तो वो लगता ही है क्योंकि अपने मतलब अपने स्किन को प्रोटेक्ट करता है। मेरा फोन नहीं बन रहा है यार। नहीं बन रहा है क्या? मैं फोन क्या बोला, प्रोसेसिंग नहीं। प्रॉब्लम क्या है यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही। गाइस बहुत धूप लग रही है, थोड़ा टाइम आपको मिलते हैं। अभी मैं जगह डाकू बनी क्योंकि बहुत ज्यादा धूप है। और दूसरी चीज ये है, मैंने देखी तुमने बाइक तुम्हारी बेच दी है, और गाइस मैं अरसू को मिलने वाली थी बट मेरे घर पे बहुत रिलेटिव आ गए थे, तो इस वजह से मैं अरसू को मिल नहीं पाई। बस अरसू कैसा लग रहा है तुमको? मतलब बुरा ही लग रहा रहेगा, बट व्हाट आर यू फीलिंग, शेयर करो मेरे साथ। एक्चुअली गाइस इसका ये है मेरा, मैं ये मोपेड गाड़ी, मतलब जितने भी नॉन गियर गाड़ी है ना, मैं चला नहीं पाता। क्यों चला नहीं पाता? क्योंकि मेरे को नींद आती है, चलाने के लिए मेरे को नींद आती है। अभी तो मैं फिर भी एक्टिव हूँ क्योंकि धूप वूप बहुत है, तो इसके लिए मेरे को मालूम है क्या करने का है क्या नहीं। लेकिन जब मेरे को नींद आती रहेगी या रात में कभी ठंडी ठंडी हवा लगेगी या कुछ लगेगी तो मैं को... चलाऊंगी रात में। मेरे को नींद आ रही, तुमको भी आ गई तो मेरे को नहीं आएगी। मेरा हाईवे हाईवे है, मेरे को तुम्हारी फिकर है, इसके लिए मैं चलाने नहीं देना चाहता। मैं बोलना चाहती हूं, मैं तुमको एकदम परफेक्ट बाइक सिखाऊंगा, फिर उसके बाद तुम मेरे को ले लद्दाख लेके चलो, घसीट के मैं चलूंगा ले लद्दाख। कितना पड़ेगा तुमको? तुम ही बाइक चलाओ, मैं नहीं चलाने वाला। फिर तुम एक बार बाइक तो सीखो। मेहता का उल्टा चश्मा, सेंस ऑफ ह्यूमर देख रहे हो मेरा? यहाँ पे शायद से वाशी ब्रिज का इनॉग्रेशन है, जो न्यू ब्रिज बना है। ये ब्रिज नहीं, ये वाला ब्रिज। बताओ ये ब्रिज के कौन सी मूवी की शूटिंग है? हेरा फेरी। चल जूता। तो गाइस ये ब्रिज का शायद इनॉग्रेशन है, कोई तो बड़ा सेलिब्रिटी या कोई तो आने वाला है। बहुत ज्यादा पुलिस है भाई, बहुत। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ तलोजा, आरती को मैं ड्रॉप कर दिया हूँ यहाँ पर, आरती पानी पी रही थी। एक काम करो तुम जाओ, मैं आता हूँ थोड़ा टाइम में। नहीं नहीं, मैं आराम से जाकर आऊँ ना, मेरे को थोड़ा काम है यार। मैं बता नहीं सकता। नहीं अरे काय के लिए, तुम धूप में, इतनी धूप लग रही है, शक्ल देखो कैसी हो गई है धूप में। वेस्ट इंडीज, अच्छा ही लग रहे हो। वेस्ट इंडीज बोल रहे हो अपने आप को, अच्छा ही लग रहे हो तुम। मेरे को देखो डिग्रू दिख रहे हो। मैं भी चलो ना। अरे तुम जाकर आओ, मेरे को काम है थोड़ा। अच्छा सुनो, आते आते चाइनीज भी ले लूंगा, टेंशन मत ले। हाँ ठीक है। तो गाइस अभी चलते हैं, आरती को मैंने ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको बताया नहीं वैसे।
अरे ऐसे ही बाबा, चलो जाओ ना तुम संभाल के, चल मैं आता हूँ। तो गाइज आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। फाइनली मैं एक जगह आ चुका हूँ, तलोजा के अंदर ही है। मैंने बहुत सोचा समझा और ये स्टेप उठाने जा रहा हूँ। वो स्टेप ये है कि मैं फ़ोन वो एप्पल स्टोर में बेच दिया और मैं दूसरा फ़ोन लेने की ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन अभी मसला ये है कि 15 प्लस मैं ले नहीं सकता वापस, क्योंकि उतना पैसा आया नहीं है मुझे और 15 प्लस थोड़ा सा महंगा है। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैंने जैसे कि आपको कल देख लिए रहेंगे कि बाइक भी मैंने बेच दिया, तो बाइक का पैसा मिलाकर एक खुशखबरी आने वाली है बहुत जल्द। और अंदर अभी मैं ले नहीं सकता टेक, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा प्राइवेसी का मैटर है। इसलिए गाइज मैं टाउन के विजय सेल्स में गया था, वहाँ से मैंने बात किया तो उन्होंने बोले कि अवेलेबल तो हो जाए, लेकिन आप अभी एग्जैक्ट कहां पर हो तो वो ब्रांच मैं बताता हूं आपको। तो मैंने बोला कि मैं तलोजा वलोजा में हूं, तो उन्होंने एक जगह भेजे मुझे यहां पर, वो जगह यहां पर है मेरे लेफ्ट साइड पे। और फिर उन्होंने ये भी बोले कि जाकर सिर्फ मेरी बात कराना वहां से, तो मैं सब अवेलेबल करवा दूंगा तुमको। और अभी मैंने बात किया अंदर जाकर, अंदर टेक नहीं ले सकता तो अभी मैं बाहर ही टेक ले रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि मैंने डिसाइड कर लिया हूँ बहुत सी चीज़ें, और मैंने वो चीज़ के लिए हाँ बोल दिया हूँ। तो जैसे ही आएगी ट्रांसफर करके मैं आपको बताऊंगा। और हाँ गाइज, आरती को भी नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है, तो मैं आरती को भी फोन करूंगा, आरती को भी पूछूंगा कि वो एग्जैक्ट कहाँ पर है, और आरती को भी बताऊंगा और देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहेगा। तो रिएक्शन वीडियो के लिए आप लोग वेट करना। और गाइज आप लोग को तो मालूम ही पड़ेगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग गेस करिए या कुछ करिए। चलते हैं अंदर, वेट करते हैं। 5-10 मिनट बोले वो लोग ने कि सब अवेलेबल हो जाएगा, आ जाइए और हम करवा के दे देंगे आपको। तो 5-10 मिनट के बाद आप देखिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट जाता हूँ और आप लोगों को भी बताता हूँ कि क्या रिएक्शन रहेगा आरती का, और आप लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा, आप लोग तो कमेंट में बता ही सकते हो। तो मिलते हैं 5-10 मिनट के बाद। मैंने सब कुछ कर लिया हुआ, आप लोगों को बहुत जल्दी मालूम पड़ जाएगा। अभी मैंने आरती को फ़ोन किया हूँ तो आरती बोली कि एक काम करो, तुम ऊपर मत आओ, नीचे रुको, मेरे को तुम्हारे से कुछ काम है, कहीं जाना है, क्या मालूम। तो अभी आरती आने ही वाली है। आ गया आरती। मैं गया था थोड़ा काम से। क्या काम? काम है थोड़ा। क्या काम? कुछ तो काम है। चलो मेरे को भी काम है, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ दिखा दूँ। क्या दिखा दूँ? जो काम के लिए गया था। दिखाओ। Are you sure? नहीं बोलूंगी तो नहीं दिखाओगे? मैं दिखाऊंगा तो, लेकिन और मेरे को एंजाइटी में मत डालो। बताओ क्या हुआ, क्या काम? ये देखो।